हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी योर ब्रदर दानिश। तो भाई होप करता हूँ सारे भाई बढ़िया हो गए। वीडियो कर दो लाइक। तुम्हारा भाई आज आपको दिखाने वाला है कैसे स्टॉक बाइक को मतलब अपग्रेड करते हैं स्टिकर यानी ग्राफिक के थ्रू। तो कैसे कैसे क्या काम होगा मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा पल्सर, जो नॉर्मल पल्सर थी ब्लैक कलर की, कैसे उसको कस्टमाइज करके मतलब कैसे उसमें ग्राफिक किट इंस्टॉल करके 2018 और 2020 वाला जो लुक है वो दे दिया गया है, और कैसे मेरी इम्पल्स अपनी यानी कि शोनी उसको रेड से कैसे ब्लैक कर दिया, ओरिजिनलिटी पूरी बरकरार करके कैसी वो दिख रही है, तो वो आपको दिखेगा। क्योंकि बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आपकी तो शोनी रेड थी, ये ब्लैक कैसे हो गई। कोई बोलता भैया आपकी तो सोनी, हाँ आपकी तो सोनी रेड थी, ब्लैक कैसे हो गई। तो इन सब की जो जवाब है इस वीडियो में मिलने वाले हैं, हालांकि मैंने दे दिए थे डीएम्स के थ्रू और कमेंट्स में, बट मैंने सोचा कि क्यों ना छोटी छोटी जो क्लिप मैंने बनाई थी, क्योंकि एक मैंने पर्टिकुलर वीडियो नहीं बनाई थी कि मैंने सोचा क्या इसमें क्या दिखाना, बट अब जो है रिक्वायरमेंट आ रही है तो मैंने कहा चलो वो पल्सर और अपनी इम्पल्स दोनों को एक साथ जोड़ के एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जाए। तो ठीक है ना भाई, तो वीडियो को एंजॉय करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको काम और कैसी लग रही है अपनी बाइक्स। ठीक है, ऐसी किट रहने वाली है, देख सकते हैं यहाँ पे अभी आपको थोड़ी सी रफ दिख रही होगी, दरअसल इसके ऊपर एक पन्नी लगी होती है, जब उसको हटाएंगे तो ग्लॉस चमकेगा। ठीक है, ये वाला जो पैटर्न है ये जाएगा हमारा टैंक का जो फेयरिंग का ये वाला हिस्सा होता है जहाँ पे कटिंग आ रही है यहाँ पे आएगा, और ये वाला जो है ये टेल पे आएगा, और मतलब जो जो जहाँ जाके स्टिकर्स हैं वो वहाँ इंस्टॉल हो जाएंगे। बाकी ये 220F इसकी जगह पे ये आ जाएगा। सो ये ब्लैक है फुल, इस पे भाई का मतलब मन था कि भाई ब्लू कराने का, तो ब्लू कराएंगे। तो कैसे काम हो रहा है, जो भी हो रहा है जैसे भी हो रहा है आपको मैं दिखाऊंगा। तो गाइस स्टे ट्यून्ड, बिल्कुल भी स्किप मत करना, और अगर आपके पास प्लेन ब्लैक है पल्सर या कोई और बाइक तो आप अपने स्टिकर लगा के अपडेट करा सकते हो। प्लस ये है कि आपकी गाड़ी में अगर पहले से स्टिकर लगे हुए हैं, आपका मन हो रहा है कि भाई ब्लू हटाकर मेरे को रेड लगवाने, तो भाई मनीष का नंबर देखो स्क्रीन पे आ रहा है, कॉल करो बेटा। दो मिनट बाद रो लियो यार। तो सीन ऐसा है कि अगर आपकी गाड़ी में कोई और स्टिकर लगे हुए हैं और आपको हटवा के दूसरे स्टिकर लगवाने अलग के, तो मनीष का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, उसको कॉल करो, किट मंगाओ, स्माइल मत दे भाई। हाँ तो अपने मतलब कॉल करके मंगाओ, ऑर्डर करो और यहाँ पे गाड़ी छोड़ के काम करवा लो। ठीक है ना, तो भाई आपने काम देखा कैसा हो रहा है। यहाँ पे स्टिकरिंग देख रहे हो, फुल फिनिशिंग के साथ लगाई जा रही है, और लगी नहीं रहा कि मतलब हमने लगाया, लग रहा कंपनी से ही लग के आया। देखो यार एक बार फिर चेकआउट कराता हूँ आपको मैं, ये देखो देख रहे हो, ज्यादा जहर लग रहा है यार, इतनी अच्छी फिनिशिंग देख रहे हो, ये देखो अंदर से कटिंग वटिंग होकर क्या बात है, एकदम एक्यूरेट है ना। सो भाई एकदम एक्यूरेट फिटिंग आई है इसकी, मतलब मजा आ गया। तो उधर भी भाई लगाने में लगा हुआ है अपना, ठीक है ना, तो भाई ये लगा रहा है, पूरी हो जाए तो बाइक फिर दिखाता हूँ। और बाकी मैं ये आपको इतना बता रहा हूँ कि टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है हमारे को,
काम करते करते पहले एक बाइक रेडी करी, फिर दूसरी। मैंने कहा चलो यार ये काम आपको दिखाना बनता है क्योंकि कमिट किया था आपसे। आप बताना मुझे कैसा लगा ये काम, ठीक है ना? अच्छा लगा हो तो प्लीज आप वीडियो को अभी से बोल रहा हूँ लाइक कर देना, कमेंट चुकाना प्यारा सा, ताकि मोटिवेशन मिले हम दोनों को। और बाकी पूरी बाइक रेडी होने दिखाता हूँ। और भाई बैटरी जो है कभी भी मतलब खत्म हो सकती है, चार्जर यहाँ पे लाना भूल गया हूँ मैं। भाई जैसा भी होगा अगर बैटरी बच गई तो अभी कवर करूंगा, वरना फिर सुबह मॉर्निंग में, ठीक है ना? तो भाई लुक चेकआउट करो साइड से, देखो पूरा 2020 लुक बना दिया इसका, मतलब कि लगिन रहा के यार ये पुराना मॉडल है, ठीक है ना? बिल्कुल प्लेन थी विदाउट ग्राफिक, हमने इसमें ग्राफिक इंस्टॉल करे मरगार्ड पे, फेयरिंग पे और टेल पे, ठीक है? इसमें इंजन बैली लगी नहीं है, नहीं तो इसके इंजन बैली वाले भी हम लगाए थे स्टिकर, तो अभी वो बच गए हमारे पास। अगर किसी के पास है बैली वाला तो वो भी इस पर भी लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रही बात पल्सर की, तो इस पर तो लगाई दी हमने, लेकिन किसी के पास कोई सी बाइक हो, आप उस चेंज कराने हो, किसी के होते हैं यहाँ से ग्राफिक खराब हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, स्क्रैच लग जाते हैं, और उस भाई को होता है कि भाई कहाँ से चेंज कराऊँ कैसे कराऊँ, तो भाई कहीं और नहीं जाना, मनीष स्टिकर पॉइंट पर आना है, ठीक है? यहाँ पर आकर अपना स्टिकर का ऑर्डर दो, और नहीं तो फ़ोन पे ऑर्डर दे दो, मंगवा लिया जाएगा और फिर बाइक में फिनिशिंग के साथ लगा दिया जाएगा, ठीक है? फिनिशिंग चेकआउट कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है? फिनिशिंग में एकदम ओके है, कोई बबल वबल कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया, कोई सिल्वर्ट नहीं मिलेगी आपको। यह देखो 220 की बैजिंग यहाँ मिल रही है, प्लस नीचे देखो। और बाकी इस साइड से दिखाता हूँ आपको मैं, इधर थोड़ा सा विजिबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। मनीष थोड़ी टेढ़ी करिए अपनी तरफ, थोड़ी टेढ़ी कर, उधर सीधी कर। भाई अपनी सोनी बहुत दिन के बाद अपने पास आई है, भाई चला रहे थे इसको, तो अभी मैं लेके आया मनीष भाई शॉप पे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको पूरी ब्लैक कर देंगे, जो जो रेड कलर है वो ब्लैक कर देंगे, ब्लैक और सिल्वर का टच मिलने वाला है। सिल्वर तो उसका श्राउड है ही, मतलब जो सर टैंक का जो कान बोलते हैं एक तरह से, तो श्राउड जो हमारा सिल्वर हो जाएगा, बाकी पूरी टैंक जो रेड से ब्लैक हो जाएगी, ठीक है ना? सारा काम देखना कैसे होगा, फिनिश इसकी सुबह दिखाऊंगा आपकी, ठीक है ना? होप करता हूं आपको मजा आ गया होगा, मतलब कि आप ये देखोगे 2012 या 10 मॉडल जो भी आई गेस, तो उस मॉडल को हमने 2020 से ग्राफिक लगा दी है, जैसे कि मेरी अपनी ब्लैक पैंथर में लगे हुए हैं। और रही बात अपनी इम्पल्स जो अपनी सोनी है उसको, वो रेड थी उसको ब्लैक करा दिया गया है। तो सोनी की जो अपडेट है वो मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, कि उसमें मैंने टूरिंग लुक जो दिया है वो कैसा दिया है आपको पता चलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो भाई अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन दबाना जरूर जरूर जरूर। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करना, बट रीजन जरूर देना कि डिसलाइक क्यों कर रहा हूं। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड, राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो जो कि अपनी सोनी यानी कि अब इंपल्स पे होने वाली है फुल टूरिंग मॉडिफिकेशन। तो जितना हो सकता था मैंने उसे करवा दिया है, और बाकी जो रह गया है वो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा क्या क्या कराना है बाद में, ठीक है ना? तो चलो।